नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मेजर एक्सीडेंट हेजार यानी कि एम ए एच यूनिट उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पी डी एस सब्जेक्ट को टू जीरो आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन मेजर एक्सीडेंट हेजार तो मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड के बारे में आपको बताना रहता है डेफिनेशन मेजर एक्सीडेंट्स एज डिफाइंड by rule 2, bracket into j of the manufacturing, storage, and import of hazards, chemical rules 9089, it means an incident involving loss of life inside or outside the installation, or 10 or more injury inside and or 1 or more injuries outside, or release of toxic chemicals, or explosions or fire or spillage of hazardous chemicals resulting in one on-site or off-site emergency or damage to equipment leading to stoppage of process or adverse effect to the environment. Measure chemical accident is defined under rule 2 bracket into F of the chemical accident, emergency planning, preparedness and response rule 1996 by the words stat stated in the above para, but also including transportations. It is also similarly defined under Rule 2JA of the manufacture, storage, and import of hazardous chemical rules 1989 and Rule 68J of the Gujarat Factory Amendment Rule 1995. Different rules, safety provisions are applicable to such factories, installation or Site depicting the threshold quantity of hazardous chemical listed in Schedule 1, 2, and 3 or processes mentioned in Schedule 4. Measure hazard means that hazard which arises because of the hazards, nature of the substances, and second is its storage quantity equal or exceed the threshold quantity prescribed in MSI MSISC rule 9089. मेजर एजार्ड इज ड्यू टू आइसोलेटेड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दैट एज़ द पोटेंशियल टू कोज एक्टेंसिव डैमेज टू मैन मटेरियल एनवायरनमेंट विद इन और आउटसाइड द साइड बाउंड्री यानी कि मेजर एजार्ड जो रहता है उसको हमें आइसोलेट रखना है उसको आइसोलेट स्टोरेज करना है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से वहाँ पे इसका कारण कुछ भी अगर वहाँ पे इंसिडेंट एक्सीडेंट बनता है या तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हार्मफुल सब्टेंसिस या पोटेंशियल रिलीज होता है तो उसकी वजह से मेन को डैमेज हो सकता है पब्लिक को डैमेज कर सकता है मटेरियल को डैमेज कर सकता है और एनवायरमेंट को भी डिसाइड डैमेज कर सकता है और ये साथ साथ में अगर वो एम यूनिट के अंदर आउटसाइड भी बाउंड्री के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज है या लोकलिटीज़ है या तो कुछ एरियाज जो है उसको भी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है द स्टेचुटीज़ मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हेजारियस केमिकल्स रूल्स नाइनटीन नाइन एटी नाइन रूल सिक्सटी एट जे ऑफ द गुजरात फैक्ट्री अमेंडमेंट रूल नाइनटीन नाइन्टी फाइव एंड द केमिकल अमेंडमेंट्स केमिकल एक्सीडेंट ई पी पी एस रूल नाइनटीन नाइनटी सिक्स हैिफाइंड द टर्म मेजर एक्सीडेंट यानी कि ये सभी जो भी स्टेच्यूटरी आई एस सी रूल नाइनटीन एटी नाइन के तहत जो भी लीगल ऑथोरिटीज है उसके तहत उसको हमें मेजर एक्सीडेंट के अंदर काउंट किया गया है ऑब्जेक्टिव टू एस्टिंग बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट पोटेंशियल एंड टू सेट प्रायोरिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ मेजर है To define hazards, yes, chemical by defining its fire, explosion, toxicity criteria, and to define their threshold quantity for storage and use. To make enact enact and implement the law of MAH chemical works or isolated storage by providing statutory provision. To identify major hazards, developing and utilizing the special techniques like a hazard and risk assessment. यानी कि आपको मेजर हेजार्ड आइडेंटिफाई करना है उसको आपको कैसे डेवलप करना है या कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए स्पेशल टेक्निक आपको रखना है और इसके साथ साथ जहाँ पे एम एच यूनिट है वहां पे आपको हेजार्ड एंड रिस एसेसमेंट भी करना है जैसे कि हीरा यानी कि हेजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट हैसॉफ हेजार्ड ऑपरेशन एफ टी ए फोल्ट्री एसेसमेंट ई टी ट्री ईआईए, ई आई एनवायरमेंट इम्पैक्ट सेट्रा, टू टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स, यानी कि जितना हो सके उतना, जितना possible, इतना आप, आपको लेना है hazard, के के आपको ये सब करना है टू प्रिवेंट कोज ऑफ सच हेजारियस इवेंट यानी कि जितना हो सके उतना हेजारियस इवेंट्स न बने इसके लिए आपको उसको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है प्रिवेंटिव मेजर जो करना पड़े वो करना है टू फोर्सी द कॉन्सिक्वेंसी ऑन द वर्कर्स पब्लिक एनवायरमेंट एंड टू वर्कआउट एंड इमरजेंसी प्लान टू कंट्रोल द मेटिकेट द इफेक्ट कंपोनेंट ऑफ एम ए एच यानी कि मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड कंपोनेंट डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम एच इंस्टॉलेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेजार्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टॉलेशन एक्स फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी रिपोर्ट एंड सेफ्टी मैन्यूल एटसेट्रा एसेसमेंट ऑफ मेजर एजार्ड बाई वर्क मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यानी कि आपको मेजर एजार्ड के लिए असेसमेंट करवाना है जो कि वो एजेंसी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कंट्रोल ऑफ द कोज ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बाई यूज ऑफ गुड सेफ्टी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक यानी कि आपको मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास गुड सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए और लेटेस्ट टेक्निक भी होना चाहिए सेफ ऑपरेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड इंस्टॉलेशन बाय ट्रेनिंग टू वर्कर्स फोलो विंग्स एसओपीज एंड इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड नियर मिसिस यानी कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्सीडेंट एंड नियर मिस जो भी प्लांट के अंदर होता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए सेफ ऑपरेशन के लिए आपको एस फॉलो करना है और ज़रूरत पड़ने पर आपको कैसे प्लांट को ऑपरेट करना है कहाँ कहाँ बचना है तो वो सभी कैसे बचना है वो ट्रेनिंग भी वर्कर्स को देना है इमरजेंसी प्लानिंग ऑन साइट एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान एंड देयर रिहर्सल रिहर्सल्स यानी कि आपको जो ऑन साइट एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाते हैं उसको आपको वहाँ पे टाइमली उसका रिहर्सल भी करना है सिटिंग एंड लैंड यूज़ प्लानिंग बाय एंश्योरिंग सेफ सेपरेशन डिस्टेंस इंस्पेक्शन ऑफ एम एच यूनिट बाई प्लांट मैनेजमेंट एंड ऑल्सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज यानी कि प्लांट मैनेजमेंट प्लांट मैनेजमेंट जो रहता है उसके द्वारा एम एच यूनिट का इंस्पेक्शन करना चाहिए और ऑल्सो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो रहता है उसके पास या तो अप्रूव्ड अथॉरिटी जो रहता है उसके पास अप्रोप्रिएट टाइमिंग पीरियड जो रहता है इसके हिसाब से आपको यूनिट का इंस्पेक्शन करवाना चाहिए सेफ ऑपरेशन ऑफ एमएच इंस्टॉलेशन शुड पे अटेंशन ऑन डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर एंड असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोसेस कंट्रोल सेफ्टी सिस्टम मॉनिटरिंग सेफ्टी रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड सिस्टम इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड रिपेयर इफेक्ट ऑफ चेंज यानी कि आपको प्लांट के अंदर कुछ चेंज करना है इम्प्रूवमेंट करना है तो so, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज प्रोसेस में चेंज ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स यानी कि वर्कर्स को प्रॉपरली अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देना है कि कैसे हाउ टू ऑपरेट दिस प्लांट एंड वेर इज रिस्क सुपरविजन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए सुपरविजन होना चाहिए कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क थैंक यू दोस्तों